तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 2 के शब्दार्थ। वोकैबुलरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो शब्दार्थ आज के इस वीडियो में पूरे हम लर्न करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है JLPT मराठी में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम, मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा वो हिंदी और मराठी में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निका वोकैबुलरी हम शब्दार्थ स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के। तो देखिए इसके पहले के जो शब्दार्थ है वो आपने सब याद कर लिए होंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट हम देखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का मतलब है कि जो कुछ भी ऐसी बातें होते हैं ना, जैसे हम बताते हैं ये यह वह या फिर ये वे, तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है? तो हम स्टार्ट से जाएंगे। देखो कोरे, सोरे, आरे और यहाँ पे है कोनो, सोनो और आनो, ठीक है? तो कोरे का मतलब है यह, सोरे का मतलब है वह और आरे का मतलब है वह। तो हमारे हिंदी में कैसा होता है कि मतलब पास वाला वह और दूर वाला वह, ऐसा नहीं होता, ठीक है? मतलब दैट के लिए वह यूज किया जाता है, लेकिन इन जापानीज लैंग्वेज में क्या होता है, सोरे मतलब पास में, ठीक है? दिस कोरे यहाँ पे, सोरे मतलब जो आदमी बोल रहा है, उस जिसके सामने बोल रहा है उसके पास में जो थिंग होती है उसके लिए सोरे का यूज किया जाता है। और जो दो फ्रेंड बोल रहे हैं तो उन दोनों से बहुत दूर अगर कोई चीज हो तो उसके लिए आरे का यूज किया जाता है, ठीक है? डिटेल में जब भी मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी तब आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है? उसके बाद में हम देखने वाले कोनो, सोनो और आनो। कोनो का मतलब है दिस, यहाँ पे जो चीज है वो दिखाने के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज करना है, वो है कोनो, सोनो और आनो, ठीक है? और कोरे, सोरे, आरे, कोनो, सोनो, आनो में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। अभी ये शब्द जो है ना वो आप याद कर लीजिएगा। आगे देखने वाले हैं मेइशी। यस, मेइशी का मतलब है बिजनेस का। देखो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस कार्ड होता है ना उसमें आपका नाम होता है, फोन नंबर होता है, ईमेल आईडी और जो भी कुछ बातें जो आप बिजनेस करते हो उसके बारे में लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं बिजनेस कार्ड। तो वो है मेइशी, ठीक है? मेइशी। बाद में है नो तो, ये काताकाना है, काताकाना फिर सभी याद कर लीजिएगा। नो तो, ये हाइफन क्यों लगाया है हमने, ठीक है ना? सो नोटो का मतलब है नोटबुक, अभी जिसमें आप लिख रहे हो वो है नोटो। यस, एन पिट्स, ये है एन पिट्स, एन पिट्स का मतलब है पेंसिल, एन पिट्स। बाद में है शिम्बुन, सुबह उठने के बाद हम शिम्बुन योमिमास ने मतलब पढ़ते हैं ना शिम्बुन, शिम्बुन का मतलब है न्यूज़पेपर। तेचो, तेचो, यस, तेचो का मतलब है पॉकेट नोटबुक। हमारे पास छोटी डायरी रहती है, देखो कुछ भी हम नोट करने के लिए लिख, मतलब कुछ भी हम नोट करने के लिए खुद के पास में रखते हैं, किसी का फोन नंबर हो, कुछ इमरजेंसी बातें हो, तो उसके लिए तेचो का यूज किया जाता है। तो उसका तेचो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है? एक बार मेरे साथ में दोहराइए, मेइशी, वेरी गुड, नो तो, वेरी नाइस, एनपित्सु, शिनबुन, तेचो, वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए आगे देखते हैं। या अब है तेरे होन का दो, क्या बोला मैंने,
तेरे होन कादो, कादो का मतलब है कार्ड, तेरे होन मतलब टेलीफोन कार्ड, ठीक है। काताकाना के जो वर्ड्स है ना, अगर एक दो बार आप बोलोगे भी ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तेरे होन कादो। उसके बाद में है झांसी मैगजीन, झांसी होन, होन मतलब बुक्स, होन जिशो। आपको अगर कोई जापनीज डिफिकल्ट वर्ड मिलता है तो आप जिशो में उसे ढूंढ लेते हैं, तो जिशो का मतलब है शब्दकोश, डिक्शनरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरुपेन, बोरुपेन बॉल पेन, बोरुपेन। शार्प पेंसिल, देखो पेंसिल मतलब पेंसिल, शार्प पेंसिल मतलब शार्प पेंसिल, ठीक है। खागी, खागी मतलब की, खागी। तेरे भी टेलीविजन। तोकेई मतलब वॉच, तोकेई, तोकेई। देखो अगर तुम्हारे हाथ में कोई वॉच हो तो उसे कहते हैं उदे दोकेई, ठीक है, रिस्ट वॉच, उदे दोकेई, उदे का मतलब है या रिस्ट, रिस्ट वॉच दोकेई, ठीक है। कासेत्तो तेपू, तेपू का मतलब है टेप, कासेत्तो मतलब कैसेट टेप, जो हम पिछले जमाने में यूज करते थे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनको आदत है कैसेट से सुनने की, तो कैसेत्तो तेपू का मतलब है कैसेट टेप, ठीक है। तो चलिए फिर से दोहराइए, खागी, तेरे भी, तोकेई, कासेत्तो तेपू, वेरी गुड। या अभी हमको पढ़ना है तेपुरे को दा, यस, क्या कहा मैंने, तेपुरे को दा, टेप रिकॉर्डर, वेरी गुड, तेपु रेको दा, वेरी गुड। खासा, खासा बारिश है बाहर तो खासा चाहिए, खासा का मतलब है अम्ब्रेला। कंप्यूटर, आप में से मतलब आप अभी कंप्यूटर पे मुझे सुन रहे होगे, ठीक है ना, कंप्यूटर, कंप्यूटर। कैमरा, कैमरा खचक खचक खचक, कैमरा मतलब कैमरा। राजियो, राजियो का मतलब है रेडियो, राजियो। और खाबान, खाबान मतलब बैग, आपके पास भी है ना खाबान। तो चलिए फिर से दोहराइए, तेपुरे को दा, वेरी गुड। खासा, राजियो, कैमरा, कंप्यूटर, खबर, वेरी गुड। जिदोशा मतलब कार, जिदोशा ऑटोमोबाइल। सुकुए मतलब डेस्क, टेबुरु मतलब डेस्क, टेबल, सुकुए डेस्क। इसु, इसु का मतलब है चेयर, सुकुए इसु। चोकुरे तो, चोकुरे तो, चोको रे तो मतलब चॉकलेट। कोही, कोही, कोही नो मिमास का मतलब आप चाय कॉफी लोगे, कोही कॉफी। नान, नान का मतलब है व्हाट, नान। सो मतलब आ, सो। कुछ बातें ऐसी है ना कि जिस तरह से मतलब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसी तरह से जापनीज में भी बोला जाता है, बहुत ही सिमिलर है। मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, जिस तरह से हम आगे के लेसन में जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो गो है ना, नानी नानी गो, तो गो का मतलब है लैंग्वेज, जैसे कि मुझे बताना है कि हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी गो, ठीक है, अगर गो आप उसको जोड़ दोगे तो हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक। जैसे मराठी, मराठी गो, मराठी, मराठी गो मतलब मराठी लैंग्वेज। एगो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, निहोंगो मतलब जापानीज लैंग्वेज। आपको कौन सी आती है, तेलुगु गो, कन्नड़ गो, इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है ना।
चलिए बोलिए, जिदोशा, वेरी गुड। सुकुए, इसु, वेरी गुड। चोकोरे तो कोही नन, नानी नानी गो। हाँ, यहाँ पे मैंने जो नानी नानी यूज किया है ना, तो उसका मतलब है कि हम डैश डैश नहीं बोलते, उसके लिए यूज किया जाता है नानी नानी। ठीक है, नानी नानी गो। तो वहां पे आपको कौन सी भी लैंग्वेज का यूज करना है, मराठी गो, हिंदी गो, इंग्लिश या जापनीज। अभी हमें देखना है चिगाई मास। चिगाई मास, चिगाई मास का मतलब क्या है पता है? मतलब ये सही नहीं है, चिगाई मास। इट्स रॉन्ग, इसके लिए यूज किया जाता है चिगाई मास। ओके, और ये है अनु, मतलब जैसे कि हम बोलते समय संकोच व्यक्त करते हैं ना, तो उस टाइम पे अनु कह के बोला जाता है। ठीक है, भाषा की खुद की कुछ विशेषताएं होती है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आनो क्यों यूज किया है, चिगाई मास क्यों यूज किया है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती है कि वो भाषा की खासियत होती है, जैसे हमारे हिंदी में मराठी में होता है, उसी तरह से जापानीज में भी होता है। आपको वो ध्यान में रखना है, ये बात आपके माइंड में फिट कीजिएगा। तो आनो का मतलब है वेल। ठीक है, संकोच यूज करने के लिए यूज किया जाता है वेल, और आगे की बात बोलनी है। उसके बाद में सो देस का मतलब, इज दैट सो, सो देस का मतलब, हाँ ऐसा है क्या, इस तरह से। दो जो मतलब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। दो जो मतलब आप उसे बैठने के लिए बोल रहे हो, या कुछ खाने के लिए दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, तो उसके लिए दो जो यूज किया जाता है। होन्नो की मुची देस मतलब क्या, होन्नो की मुझे मतलब मैं बहुत ही मतलब दिल से दे रहा हूँ। ठीक है, होन्नो की मुझे देस, इट्स टोकन ऑफ माय ग्रेटिट्यूड, इसके लिए यूज किया। इट्स नथिंग और आप उसे दे रहे हो, होन्नो की मुझे, ट्रू फीलिंग। उसके बाद में दो मो, दो मो मतलब थैंक्स, दो मो। लेकिन अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, तो आपको बोलना है दो मो आरिगातो गोजाइमास। ठीक है, ये पोलाइट है, दो मो आरिगातो गोजाइमास, ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए बोलिए मेरे साथ, चिगाइमास, चिगाइमास, आनो, आनो, वेरी गुड। सो देस का, सो देस का, दोजो, दोजो, होन्नो की मोची देस, दोमो अरिगातो गोजाइमाश्ता, दोमो अरिगातो गोजाइमाश्ता। ठीक है, तो सबने क्या कहते हैं, क्लियरली प्रोनाउंस किया। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। के आगे देखने के लिए यहाँ पे वर्ब जो है, और जो वोकैबुलरी है वो खत्म हो गई है। तो लेसन टू की वोकैबुलरी हमने पूरी पढ़ ली है। ठीक है, दो बार आप खुद लिसन कीजिए, उसके बाद में उसे नोट डाउन कीजिए। देखो, जैसे कि आप नोट डाउन करते हो ना, तो आपके माइंड पर वो पूरा लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। वहां पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ ग्रामर या कांजी, बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे आपको सिखानी है। चलिए, तब तक के लिए सीखते रहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जो शब्दार्थ अभी आपने लर्न किए हैं, उसे आप अलग नोटबुक में लिख के लो। जब भी आप लिखते हो, तो वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा फिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने लेसन नंबर 2 के शब्दार्थ लर्न किए हैं। आपको वो पूरा याद करना है। ग्रामर का वीडियो जल्दी ही आने वाला है, उससे पहले ये शब्दार्थ तो आपको याद करने होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, मतलब लेसन नंबर 2 के ग्रामर के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।